मंगल गति सम सुमन जिम सम सुगंध कर दोए। इस तरह से संत का स्वभाव होना चाहिए। ऐसा स्वभाव समाज में जिस संत का है, याद रखना भगवंत साष्टांग प्रणिपात करने के लिए तैयार है, भगवान उसके चरणों में झुकने को तैयार है। ऐसा स्वभाव लेकिन होना चाहिए। संत का तो यही लक्षण है। बहुत बड़ा तिलक हमने लगा लिया, बहुत बड़ी दाढ़ी रखा ली है, कपड़े पहन लिए, लेकिन हमारी विचारधारा में समानता नहीं है, हमारे जीवन में भेद है, हमारे जीवन में दुराव है, छिपाव है, हमारे हृदय में विकार है, तो भेष धारण करने से काम चलने वाला नहीं है। फिर तो ये अभिनय हो गया एक साधु का, वास्तविकता नहीं हुई। भेष तो कोई भी बना सकता है, भेष बनाना बुरा नहीं है। भेष गुरुदेव के द्वारा मिलता है, गुरु परंपरा से ये भेष मिलता है, तिलक मिलता है, माला, ये भेष वस्त्र सब गुरु परंपरा से मिलते हैं। लेकिन प्यारे गुरुदेव भेष देने के पहले भगवान शालिग्राम तुलसी को साक्षी कराते हैं और कहते हैं कि आज मैं इस भेष को तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन तुम भगवान शालिग्राम और तुलसी गंगा को साक्षी करके कहो कि जब तक जीवन रहेगा तब तक हम सौगंध खाते हैं शालिग्राम भगवान तुलसी गंगा की, किस भेष की रक्षा करते रहेंगे, इस भेष की रक्षा करते रहेंगे। ये शपथ दिलाई जाती है। ऐसे ये भेष नहीं मिल जाता है कि साधारण रूप से मिल गया भेष। इस भेष को लेने के लिए हमें भगवान के सामने शपथ लेनी पड़ी। शपथ दिलाने वाले कौन थे? गुरुदेव भगवान। इसलिए भगवान आज संतों का इतना आदर कर रहे हैं कि आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। लेकिन दूसरी ओर भगवान क्या देख रहे हैं? लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए और लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे लक्ष्मण दौड़े दौड़े आते हैं तो लक्ष्मण जी कर क्या रहे हैं? कहत सप्रेम नाय मही माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया भैया भैया। भगवान ने कहा क्या बात है, क्या बात है, बात क्या है? कहत सप्रेम नाय महिमा था। भगवान ने कहा प्रणाम तो तुमने सुबह कर लिया था ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन अब प्रणाम कर रहे हो, ये दोबारा कैसा? लक्ष्मण जी बोले, दोबारा प्रणाम नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भरत कहाँ है? भरत आ गया, भरत चित्रकूट में, कहाँ है भरत? उठे राम सुन प्रेम यदि कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भरत का नाम जैसे सुना तो अधीर होकर के भगवान दौड़े। भाई का नाम कान में पड़ा, भरत का नाम कान में पड़ा कि मेरा भरत चित्रकूट आ गया। अच्छा बोलो, कल की कथा में आपने सुना था भरत जी ने समस्त अयोध्या वासियों से क्या कहा था? आपन दारुण दीनता समय कहो सृनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। जब तक मैं भगवान के श्री चरणारविंदों को नहीं देख लूंगा तब तक मेरे हृदय की वेदना समाप्त नहीं होगी। आज भरत आ गए हैं और पड़े हुए हैं। कहां पड़े हैं?
पाही नाथ कही पाहे गुशान, पाही नाथ कहीं पाही गुशान। ओ भूतल पर कुट की ना, लकड़ी की तरह पड़े हैं भरत, लकड़ी की तरह। भगवान राम ने सुना तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, सीता जी के सहित बैठे थे, लेकिन सीता जी से ये नहीं कहा चलो मेरे साथ। भरत का नाम सुना तो दौड़ पड़े, सीता जी तो बैठी रह गई। भगवान दौड़े, अधीर होके दौड़े, और जिस स्थिति में बैठे थे वैसे ही दौड़ पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, अधीर होकर के दौड़े। इसमें दो प्रकार का भाव है, उभय पक्षीय अर्थ। एक तो संत को देख करके भगवंत अधीर होके दौड़ पड़ा, एक भाव तो ये है, ठीक है ना। संत को देख करके भगवंत अधीर होके दौड़ पड़ा। दूसरा अर्थ ये है कि छोटे भाई का नाम सुन करके कि मेरा छोटा भाई भरत पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, तो भगवान स्वयं अपने लक्ष्मण भाई के द्वारा भरत के आने का समाचार सुनते हैं, लेकिन सीता जी से नहीं कहा कि भरत से मिलने में जा रहा हूं। सुनते ही भगवान अधीर होकर के भाई भरत से मिलने के लिए दौड़ पड़े, भाई से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आजकल थोड़ा वातावरण चेंज होता जा रहा है, अगर एक भाई अपने भाई से मिलना भी चाहता है तो पत्नी से थोड़ा परामर्श लेता है, क्यों बताओ क्या करना चाहिए, बताओ कुछ बोलो। अब वो आ रहा है तो क्या करना चाहिए, अब तुम बोलो तो कुछ। और पत्नी ने कह दिया हाँ ठीक है, तो पत्नी ने कहा नहीं, अगर कहीं ऐसे कर दिया तो फिर हिम्मत नहीं है, फिर हिम्मत नहीं है, फिर उसे बैक ही होना पड़ेगा। और अपने बच्चे से सूचना पहुंचानी पड़ेगी कि जाओ कह दो अंकल जी से कि पापा है नहीं। क्यों क्यों भाई, ये वातावरण क्यों, ये विडंबना क्यों। मात्र शक्ति से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वैसे मैं आचार्य पद पर बैठा हूं, आदेश देने का अधिकार है, निवेदन का नहीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण आज मैं निवेदन भी करने को तैयार हूं। कम से कम परिवर्तन तो आना चाहिए। माताओं, तुम समाज की बहुत बड़ी शक्ति हो, इस पृथ्वी पर नारी से बड़ी शक्ति और दूसरी हो नहीं सकती। अगर इस धरती पर नारी ना हो तो नारायण का भी जन्म नहीं हो सकता है प्यारे, नारायण भी इस धरती पर नहीं आ सकता है। नारी की देन है कि नारायण आया है इस धरती पर। नारायण को, भगवान को जन्म देने वाली हो तुम, कितनी बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, कितनी बड़ी शक्ति है, सोचो जरा, विचार करो। जितनी बड़ी शक्ति है, मेरा निवेदन यह है कि उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उस शक्ति का सदुपयोग यही है कि संपूर्ण परिवार को एक साथ
भाइयों भाइयों को के प्रेम के बंधन में बांधने के लिए आपकी उदारता का सहयोग होना चाहिए, आपकी उदारता का सहयोग होना चाहिए कि भाई भाई परिवार में प्रेम बंधन में बंधे रहें और हम इसके लिए उदार चित्त से समर्थन करती हैं। बोलो, होना चाहिए यही भाव कि नहीं? उदार चित्त से हम समर्थन करती हैं। अगर मात्र शक्ति का उदार चित्त से समर्थन हो जाए भाइयों भाइयों के आपस में प्रेम की डोरी में बंधने के लिए, तो इस डोरी को चाहे जितने ग्रह प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन कभी इस प्रेम बंधन की डोरी को तोड़ नहीं सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। चाहे जितने ग्रह प्रतिकूल हो जाएं, चाहे जितना समाज का कोई प्रतिकूल व्यवहार रखने वाला व्यक्ति जोर लगा ले, चाहे जितना नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति जोर लगा ले, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकती है। वो परास्त होगा, पराजित होगा, विफल होगा, उसके मंसूबे सब धरे रह जाएंगे, उसे सफलता मिल ही नहीं सकती है। लेकिन मात्र शक्ति अगर संकल्प ले ले तो, आज श्री किशोरी जी ने ही तो बताया था कि भरत आ रहे हैं। बोलो, राम दौड़े तो बाद में, लेकिन बताया किसने था? जागी सीए सपने अस देखा। राम जी के कानों में ये संकेत पहुंचा, संदेश पहुंचा भरत के आने का, तो सीता जी ने ही डाला कि भरत आ रहा है। और देखी सास आन अनुहारी, अपनी सासों को भी स्वप्न में देखा। तो जैसे ही भगवान राम अधीर होकर के दौड़े, तो किशोरी जी आंखों में आंसू भर के कह रही हैं कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि भरत आ रहे हैं, और देखो मेरा स्वप्न साकार हो गया, भरत आ गया है। श्री किशोरी जी ने सूर भगवान से प्रार्थना की कि जो परिवार मेरा मुझसे दूर हो गया था, आज मैं भरत को हृदय से आशीर्वाद दे रही हूं कि बिछड़े हुए परिवार को भरत तूने सरलता से आज चित्रकूट में मिला दिया है, इसलिए हृदय से मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। तो बोलो, श्री किशोरी जी ने उदारता का परिचय दिया कि नहीं दिया? और आशीर्वाद हृदय से भरत को दिया कि भरत, तेरी उदारता ने, तेरे प्रेम ने आज बिछड़े हुए परिवार को आज चित्रकूट में आके मिला दिया, आज सब मिल रहे हैं। कोई रह गया क्या शेष अयोध्या में? जल्दी बताओ, अयोध्या में कौन रह गए थे? इस बात को सुन लीजिए, सब चले आए चित्रकूट, अयोध्या में कौन रह गए थे? इसका क्या प्रमाण है कि रह कौन गए थे अयोध्या में? तो सुन लीजिए, मन मस्तिष्क की डायरी में मेरे इन शब्दों को उतार लेना कि कौन रह गए थे अयोध्या में। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत संपूर्ण लोग चलने को तैयार हैं, फिर अयोध्या में कौन रहेगा? भरत जी ने कहा, रहेंगे कौन? बोले, अस विचार सुचि सेवक बोले, अस विचार सुचि सेवक बोले, ओ जे सपने हु निज धर्म न डोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले, कहे निज मरम धर्म सब भाखा, ओ जो जही लायक सो तही राखा। क्यों भाई, क्लियर हो गया कि नहीं? जो पवित्र सेवक है, जो जागृत अवस्था की बात छोड़ो, स्वप्न में भी कभी अपने कर्तव्य से पृथक नहीं हो सकते हैं, उन सेवकों को अयोध्या की पूरी जिम्मेदारी भरत जी ने दे दी। वो सेवक संभाल रहे हैं अयोध्या, बाकी पूरे अयोध्या वासी, मंत्रिमंडल, यहां तक कि मंथरा भी साथ में है, केकई भी साथ में है। बोलो, है कि नहीं केकई साथ में? आप कहोगे केकई साथ में? हाँ, प्रथम राम भेटी केकई। चित्रकूट में सबसे पहले भगवान राम ने
किसको प्रणाम किया बोलो, कौशल्या जी को किया कि केकई को? प्रथम राम भेटी केकई, तो केकई है साथ में कि नहीं? सब साथ में है, सब साथ में है। एक सज्जन बोले महाराज मंत्रा का नाम नहीं आया, मंत्रा का नाम क्यों नहीं आया? वो थी नहीं इसलिए नाम नहीं आया उसका, अगर होती तो नाम आता। मैंने कहा थी तो, लेकिन तुलसीदास जी ने बार बार मंत्रा का नाम लेना उचित नहीं समझा इसलिए। अरे बोले क्यों नहीं समझा? अच्छा एक बात बताओ, देश के जितने पत्रकार हैं बार बार ममता बनर्जी का नाम लेते हैं क्या? बोलो भाई, जिसकी ऐसी कुटिल नीति ही कि जिसने बंगाल में आतंकवादियों को शरण देने का संकल्प ले लिया है, जिसने बंगाल में आतंकवादियों को शरण देने का संकल्प ले लिया है, ईमानदारी से बताओ ऐसी मंत्रा का नाम मेरी समझ में तो ये आता है कि कभी जिह्वा पर आना ही नहीं चाहिए। ये मंत्रा ही ममता बनर्जी है और कोई दूसरी नहीं। इस कलयुग में जो तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, बंगाल वाले लोग हमारी बात सुन रहे होंगे, क्यों भाई सुन रहे होंगे कि नहीं? तो सुन ले, हमको चिंता नहीं है, हम तो कहेंगे, स्पष्ट कहेंगे और चैलेंज से कहेंगे, हम चिंता विंता नहीं करते हैं कहने। एक नारी को संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, संतुलन बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम महिला हो, तुम्हारा सम्मान है समाज में, लेकिन इस सम्मान का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने देश में विभाजन करा दें, देश को टुकड़ों टुकड़ों में बदल दें। ये नीति नहीं होनी चाहिए, कूट नीति नहीं होनी चाहिए। मंत्रा का नाम बार बार लेना तुलसीदास जी ने उचित नहीं समझा, ठीक है ना? लेकिन केकई के प्रति तुलसीदास जी महाराज का यहां सम्मान प्रकट हो जाता है, प्रथम राम भेटी केकई। तो बोलो तुलसीदास जी ने केकई को सम्मान दिलाया कि नहीं दिलाया? और तुलसीदास जी ने क्या दिलाया? भगवान राम ने जब भेंट लिया तो तुलसीदास जी को सम्मान देना पड़ा कि नहीं? कि जब राम जी ही भेंट रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, तो सम्मान देना ही पड़ेगा। आज भरत जी महाराज भूतल परे लकुट की नाई, लकड़ी की तरह पड़े, और श्री किशोरी जी हृदय से भरत को आशीर्वाद दे रही हैं कि धन्य है भरत, तुमने महान कार्य किया है कि बिछड़े हुए परिवार को मिला दिया है। माताओं यही भूमिका होनी चाहिए तुम सबकी, तुम सीता की तरह रहो समाज में, सीता की तरह महान बनो, परिवार का सम्मान और तुम्हारा सम्मान, कुल खानदान का सम्मान सदा सुरक्षित बना रहेगा, सदा सुरक्षित बना रहेगा। बस अनुसरण करना है सीता जी के चरित्र का। लेकिन भगवान राम दौड़ पड़े और जैसे ही दौड़े तो कहूं पट पीतांबर गिरा दिया, गिर गया पीतांबर। पटमानी होता है पीतांबर, पटमानी क्या है? पीतांबर, कंपट पीतांबर गिर गया। पीतांबर के बाद निखंग धनु तीरा, धनुष्बाण भी गिर गया। अरे भाई पीतांबर ने क्या बिगाड़ा था, धनुष्बाण ने क्या बिगाड़ा था? अगर भरत जी से मिलना ही था तो पीतांबर गिराने की क्या जरूरत, धनुष्बाण गिराने की क्या जरूरत? ये तो भगवान से ही पूछा जाए, प्रभु राम से पूछा जाए कि भरत जी से मिलना है तो पीतांबर को क्यों गिरा रहे हैं आप? भगवान से पूछा गया कि आप भरत भाई से मिलने जा रहे हैं लेकिन पीतांबर को क्यों गिरा रहे हैं? पीतांबर ने क्या बिगाड़ा, क्या दोष है पीतांबर का?
भगवान ने कहा दुनिया वालों, ये पीतांबर मेरे हृदय पर रहता है, बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, आपको क्या तकलीफ। भगवान ने कहा तकलीफ मुझे यह है कि आज मैं अपने भरत भाई के पास जा रहा हूं, और केवल पास ही नहीं जा रहा हूं, मेरा भरत भाई पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, उसे उठाने के लिए जा रहा हूं, और केवल मैं उठाऊंगा ही नहीं बल्कि भरत भाई को हृदय से लगाऊंगा भी। लेकिन जैसे ही मैं अपने भरत भाई को उठा के हृदय से लगाऊंगा तो पट भी मेरे हृदय पर रहता है, भरत को जब मैं उठा के हृदय से लगाऊंगा तो पट भाई भाई के मिलन में बाधक बन जाएगा, जो भाई के मिलन में बाधक बनता हो उसका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए मैंने पट का त्याग कर दिया, क्योंकि ये भाई भाई के मिलन में बाधक बन रहा था। सोचो भाई भाई में कैसा प्यार होना चाहिए, क्यों समझ में आ रही है बात कि नहीं। भाई भाई का ऐसा प्यार कि पीतांबर भी अगर बाधक बन रहा है तो इसका भी त्याग होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। पीतांबर का त्याग कर दिया भगवान। अच्छा ठीक है, पीतांबर तो हृदय पर रहता है लेकिन धनुष बाण तो कंधे पर रहते हैं। अगर आप भरत को उठाएंगे और हृदय से लगाएंगे तो कंधे पर रहते हैं धनुष बाण, वो बाधक नहीं बनेंगे। क्यों भाई, धनुष बाण क्या बाधक बनेंगे, वो तो कंधे पर है। पीतांबर की बात मानी जा सकती कि पीतांबर सामने है हृदय पर वक्ष पर, लेकिन धनुष बाण तो कंधे पर है। धनुष बाण को आपने क्यों गिरा दिया? भगवान ने कहा धनुष बाण बल के प्रतीक है। क्यों भाई, हथियार किसका प्रतीक होता है? बल का प्रतीक होता है, होता है कि नहीं। कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, खूब ताकत रखता हो, और एक व्यक्ति सामने से चला आ रहा है, वो टीवी का पेशेंट है, और वो पहलवान के सामने आंखें निकाले, पहलवान कहेगा ए आंख निकाल लूंगा तेरी, मैं जानता हूं तुझ में कितनी ताकत है, और वो रखे हो रिवॉल्वर और तुरंत निकाले, तो पहलवान कहेगा हाँ 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 आप बहुत बड़े बलवान हैं, आप बहुत बड़े बलवान हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम मानते हैं कि आप बहुत बड़े बलवान हैं। अच्छा बोलो, बल हथियार का है कि बल स्वयं शरीर का है? बोलो, हथियार का बल है, शरीर में बल नहीं है, हथियार में तो बल है। इसका मतलब है शस्त्र भी बल का प्रतीक होता है, होता है ना शस्त्र बल का प्रतीक। तो अगर शस्त्र बल का प्रतीक है, धनुष बाण बल के प्रतीक हैं, तो इनको गिराने की क्या जरूरत? आगे आपको राक्षसों को मारना है तो आखिर जरूरत तो धनुष बाण की ही पड़ेगी। अच्छा, राम जी को धनुषरधारी राम कहते हैं, भगवान राम का एक नाम है धनुषरधारी राम है। जय जय धनुषरधारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान राम को धनुषरधारी राम कहते हैं। तो ये धनुष बाण ही तो राक्षसों के मारने में सहयोग देंगे, लेकिन आज आपने भरत को देख करके धनुष बाण फेंक दिए। क्यों? भगवान ने कहा इसलिए कि मेरे भाई के पास प्रेम का बल है। किसका बल है? प्रेम का बल। अच्छा, राम प्रेम मूरत तनु आही। भरत जी महाराज के पास प्रेम है, और भगवान राम उस प्रेम को चित्रकूट की भूमि पर देख रहे हैं कि अयोध्या का साम्राज्य त्याग दिया, लेकिन मेरे प्रति जो भरत की प्रीति है, भरत का प्रेम है, वो प्रेम दूर नहीं हुआ, वो प्रेम भरत को खींच करके चित्रकूट लाया। बोलो, चित्रकूट जो भरत को लाया है खींच करके, वो कौन लाया है? भरत का प्रेम, जो राम जी के प्रति प्रेम है, वो खींच के लाया। इसका मतलब है प्रेम में ताकत है, तब तो प्रेम ने खींच लिया। हाँ भाई, ताकत तो है। तो आप कहना क्या चाहते हैं?
भगवान राम ने कहा मैं कहना ये चाहता हूं कि ये धनुष बाण बल के प्रतीक हैं। जब बड़े बड़े बलवान, विश्व के बड़े बड़े बलवान जब राम के सामने आ जाते हैं तो राम के बल को देख करके विश्व के बड़े बड़े बलशालियों के हथियार गिर जाते हैं, लेकिन भरत के प्रेम के बल के सामने राम के हथियार गिर जाते हैं। इसलिए कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। आज भरत के प्रेम के बल के सामने भगवान के शस्त्र गिर गए। बोलो प्रेम में बड़ी ताकत है कि नहीं? मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा अगर मार दोगे जान से। बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए प्रेम बल की प्रधानता होनी चाहिए, प्रेम बल। आज प्रेम बल के सामने भगवान के हथियार गिर गए। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट सामने भगवान राम पहुंच गए। भरत जी साष्टांग पड़े हुए। भगवान ने कहा भरत, जिससे मिलने के लिए तुम चित्रकूट आए हो वो राम तुम्हारे सामने है। भरत उठो। भरत जी ने कहा प्रभु उठ नहीं सकता। क्यों? जो गिर सकता है वो उठ भी सकता है। उठो। भरत जी ने कहा ये सिद्धांत है कि जो गिरता है वही उठता है, लेकिन मैं गिर सकता हूं उठ नहीं सकता हूं। तुम गिर सकते हो उठ क्यों नहीं सकते हो? भरत जी ने कहा इसलिए मैं भूतल परेऊ लकुट की नहीं, मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं। लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है लेकिन लकड़ी अपने आप उठ नहीं सकती है, इसलिए मैं गिर सकता हूं लेकिन उठ नहीं सकता। भगवान ने कहा लकड़ी को कोई उठावे तो उसे उठना चाहिए कि नहीं? मैं उठा रहा हूं, उठो। भरत जी कहते हैं प्रभु ये सत्य है कि लकड़ी को कोई उठावे तो उसे उठना चाहिए, लेकिन भरत रूपी लकड़ी ने तो आज श्री राम चरणारविंदों का दर्शन कर लिया है, इसलिए अब तो
ये भरत केवल चरणार विंदों में रहना चाहता है, क्योंकि चरणार विंदों में जो आनंद है वो हृदय में आनंद नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में भरत को थोड़ी सी जगह मिल जाए तो भरत अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेगा। थोड़ी सी जगह मिल जाए श्री चरणों में, क्या बात है। ये रघुवंश के राजकुमारों का आदर्श है। बोलो भाई, है कि नहीं। रघुवंश में चार राजकुमार हुए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और आज चारों ने संपत्ति ठुकरा दी और चारों प्रेम से मिलने के लिए चित्रकूट आ गए। देखो, दो तो पहले से ही थे, दो और आ गए। कितना दिव्य मिलन ये, कुछ शिक्षा ले लो कि हमारी परंपरा क्या है। भाइयों भाइयों में मिलने की परंपरा है रघुवंश की, भाइयों भाइयों में दूर रहने की परंपरा नहीं है रघुवंश की। इसलिए तुम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम भाई भाई प्रेम से रहें। और राम का आदर्श पूरी दुनिया ने माना, चाहे जिस वंश में कुल में कोई पैदा हुआ हो, चाहे जिस जाति में कोई पैदा हुआ हो, हर जाति वर्ग वाले ने राम को आदर्श माना है। बोलो, माना राम को आदर्श कि नहीं। राम को आदर्श, राम के बिना कोई रह नहीं सकता है इस जगत में। राम शब्द जब वाणी से निकलता है, अच्छा आपने अनुभव किया कभी, जब दूरियां हो जाती हैं और लोगों से पूछो क्यों साहब, उनसे व्यवहार कैसा, बोले हमारी तो 2 साल से राम राम बंद है। क्यों भाई, 2 साल हो गए राम राम बंद है हमारी उनकी, लोग यही कहते कि नहीं कहते। लेकिन फिर कहते हैं, अरे साहब आश्चर्य हो गया क्या, बोले 2 साल से राम राम बंद थी, लेकिन हम जा रहे थे और उस व्यक्ति ने हमको देखते राम राम कर ली है, अब हम लोगों में प्रेम हो गया क्योंकि हम लोगों ने आपस में राम राम कर ली है। तो ईमानदारी से बताओ, राम शब्द निकलता है तो प्रेम प्रकट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हो जाता है ना, राम शब्द से प्रेम प्रकट होता है। राम महत्वपूर्ण है। और राम ने रघुवंश को त्रिभुवन में सम्मान दिलाया, और राम ने जितने भी इस जगत में भक्त हैं उन भक्तों को अपने से भी ज्यादा महान बताया है। मोते अधिक संत कर लेका, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी इतने उदार हैं कि अपने दासों को अपने से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, है ना। तो राम के दास कोई भी हो, राम दास बन जाए, राम का दास बनने से कल्याण हो जाएगा। आज भगवान राम कहते हैं, नहीं भरत, मैं हृदय से जब तक नहीं लगा लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो भरत जी उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन राम जी ने बरबस लिए उठाए। और बरबस मानी होता है जबरदस्ती, बरबस मानी जबरदस्ती। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे उसवही अपान। भरत राम की मिलन लख बिसरे उसवही अपान। जबरदस्ती भगवान ने भरत को उठाया और हृदय से लगा लिया, और जैसे हृदय से लगाया तो प्यारे वहां प्रेम समुद्र का निर्माण हुआ, प्रेम सिंधु का। राम और भरत जब मिल गए तो वहां कौन सा समुद्र प्रकट हो गया, प्रेम सिंधु। इस सिंधु का नाम है प्रेम सिंधु। बोले प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, और दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। दोनों ही मिल गए
एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया तो पता नहीं कब किस में कौन समाया, पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई, मन बुद्धि चित अहिमित बिसराई। आज राम और भरत मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं? अच्छा देखें आप, यहां चित्रकूट अयोध्या, चित्रकूट किष्किंधा और लंका, ये पूरे रामचरितमानस में चार विशेष स्थल हैं। चार, अयोध्या, चित्रकूट वनवास के क्रम में, वैसे तो जनकपुर धाम की महिमा का क्या कहना साहब, लेकिन वनवास के क्रम में अयोध्या से चले राम जी, चित्रकूट में रहे और चातुर्मास किया है किष्किंधा में प्रवसन पर्वत पर। क्यों किया कि नहीं किया? चातुर्मास कहाँ किया? किष्किंधा में प्रवसन पर्वत पर। और युद्ध कहाँ किया भगवान ने? लंका में। क्यों किया कि नहीं? तो अयोध्या से चले, जन्म हुआ, चले अयोध्या से, विवाह के बाद लौटे तो वन की ओर प्रस्थान किए, चित्रकूट में तप किया, किष्किंधा में चातुर्मास किया और लंका में भगवान ने सुवेल पर्वत पर बैठकर युद्ध की रणनीति तैयार की, लंका में ही। उसका नाम है सुवेल पर्वत और किष्किंधा में है प्रवसन पर्वत, चित्रकूट में है कामदगिर पर्वत। ठीक है ना? चित्रकूट में कौन सा पर्वत है? कामदगिर पर्वत। किष्किंधा में कौन सा पर्वत है? प्रवसन पर्वत। और लंका में कौन सा पर्वत है? सुवेल पर्वत। लेकिन चित्रकूट में आप देख रहे हैं कि दोनों भाई मिल रहे हैं और किष्किंधा में दोनों भाई लड़ रहे हैं। क्यों भाई? लड़ रहे हैं कि नहीं? किष्किंधा में बाली और सुग्रीव, सारी दुनिया देख रही है कि संपत्ति के पीछे ये दोनों भाई लड़ रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है कि अयोध्या के रघुवंश के राजकुमार संपत्ति को ठुकरा के चित्रकूट में प्रेम से मिल रहे हैं। क्यों? यही दृश्य है कि नहीं? यही दृश्य है। अभी तो हम आपको बताया नहीं कि राक्षसों को तो एयर स्ट्राइक में मारेंगे, क्यों? वैसे तो मारने का समय नहीं है, जल्दी में तो ऐसे ही मारा जा सकता है ना। तो अभी 5:30 बजा है और आज राज्याभिषेक होना है और राज्याभिषेक की कथा कह करके ही मंच का विश्राम होगा और आपको हम एहसास दिलाएंगे कि हमने थोड़ा थोड़ा हर प्रसंग को स्पर्श किया। जैसे जनकपुर में भगवान बरासन पर बैठे, चित्रकूट में भगवान कुशासन पर बैठे,
और लंका में भगवान मृगासन पर बैठे हैं, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला तहें आसन आसीन कृपाला। लंका में भगवान सुवेल पर्वत पर मृगासन पर बैठे, चित्रकूट में कुशासन पर, लंका में सुवेल पर्वत पर मृगासन पर, और लंका में राक्षसों को मारने के बाद वापस अयोध्या में सिंहासन पर। तो बरासन, कुशासन, मृगासन और सिंहासन, ये चार आसन हो गई, हो गई ना चार आसन। अब एक एक आसन का वर्णन कर ही रहा हूं। अभी मैंने कुशासन का वर्णन किया कि नहीं किया है? कि सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत, जन बासो बस अमर पुरुष सची जयंत समेत, चित्रकूट में कुशासन पर बैठे, आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा, यही सुनाया था ना। और इसी क्रम में लक्ष्मण ने सूचना दी भरत जी आ गए, तो भरत जी को उठा के भगवान ने हृदय से लगाया कि नहीं लगाया। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्ध चित अहिमित बिसराई। बोलो ये कथा सुन रहे हैं आप कि नहीं? लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि यहां भगवान अपने भरत भाई को हृदय से लगा के मिल रहे हैं, भाई भाई मिल रहे हैं। लेकिन किष्किंधा की ओर थोड़ा दृष्टिपात करो तो वहां भाई भाई लड़ रहे हैं, संपत्ति के पीछे लड़ रहे हैं। चलिए हम थोड़ी देर में अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए रुक रहे हैं चित्रकूट में कि हृदय से लगाया और आंसू भगवान राम की आंखों में है, भरत जी की आंखों में भी आंसू हैं। भगवान श्री राम ने कहा भरत तुम विपत्ति बांटने के लिए आए हो चित्रकूट में, और राम की विपत्ति बांटने आए हो। लेकिन राम की विपत्ति कैसे बांटोगे भरत? राम के सामने सबसे बड़ी विपत्ति तो यह है कि धर्म संकट, और तुम्हें देख करके राम और धर्म संकट में फंस गया है। भरत जी ने कहा धर्म संकट क्या है आप पहले ये बताएं। भगवान राम कहते हैं धर्म संकट यह है, राखे उराए सत मोहि त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी, तासु बचन में तत अति सोचू, उतहीं ते अधिक तुम्हार सकोचू। पिता श्री ने सत्र धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग किया और मैं अयोध्या छोड़ के चित्रकूट आ गया, और भरत तुम मेरे प्रेम को देख करके अयोध्या छोड़ करके चित्रकूट आ गए हो, तो तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या वापस चलूं या सत्य प्रेम जही राम जी पदे बिछड़त दीन दयाल। सत्र धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने मेरा त्याग किया और प्राण का भी परित्याग किया। तो सत्र धर्म की रक्षा करने वाले पिताश्री की बात मान करके मैं चित्रकूट में रह जाऊं या तुम्हारे प्रेम को देख करके मैं वापस अयोध्या लौट चलूं। तासु वचन मेटत अति सोचू, तहिते अधिक तुम्हार सकोचू। सबसे बड़ा संकोच है मुझे, अब संकोच है, धर्म संकट है, अब मैं क्या करूं भरत, तुम ही निर्णय दो मैं क्या करूं, पिताजी की बात मान के चित्रकूट में रह जाऊं या तुम्हारी बात मान के अयोध्या लौट चलूं। अयोध्यावासी सोचने लगे कि बन गया काम, क्योंकि भरत जी ने लौटाने का संकल्प लिया था इसलिए काम बन गया है ना, काम पूरा पूरा बन गया। लेकिन भरत जी लंबी सांस भरते हैं, भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो भरत? भरत जी ने कहा मैं यह कहना चाहता हूं कि हम और आप केवल भाई भाई ही नहीं हैं, बहुत से नाते हैं, बहुत से संबंध हैं, जैसे
कहा आप हैं मेरे स्वामी और मैं हूं आपका सेवक, आप हैं मेरे बड़े भाई मैं हूं आपका छोटा भाई, आप हैं मेरे भगवान और मैं हूं आपका पुजारी, और आप हैं मेरे स्वामी मैं हूं आपका सेवक। तो सेवक और स्वामी का भाव यदि मानते हो भरत, तो क्या कहना चाहते हो बोलो। भरत जी ने कहा जो सेवक साहि वही सकोची, जो सेवक साहि वही सकोची, निज हित चहिता सुमति पोची। वो सेवक किस काम का, वो कैसा सेवक जो स्वामी को संकोच में डाले। मैं अभागा ऐसा सेवक जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 14 साल तक जीने के लिए सहारा चाहिए, बस आप तो सहारा दे दो। मैं सहारा लेकर के ही आप जहां रहने के लिए कहेंगे मैं वहीं चला जाऊंगा। जहां आप रहने के लिए कहेंगे मैं सहारा लेकर के वहीं चला जाऊंगा। 14 वर्ष तक जीने के लिए कोई सहारा दे दीजिए बस। लक्ष्मण में और भरत में यही तो अंतर है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रहूंगा, आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा, आपके बिना नहीं रहूंगा, आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। और भरत जी कहते हैं आप जहां रखेंगे वहां मैं रहूंगा। बोलो अंतर है कि नहीं, यही अंतर है कि नहीं। आप जहां मुझे रखेंगे मैं वहीं रहूंगा, और लक्ष्मण जी कहते जहां आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगा, है ना। अच्छा इसमें एक भाव और है क्या, परसों की कथा में मैंने कहा था कि लक्ष्मण फणी हैं। क्या है लक्ष्मण? फणी। और राम जी को मैंने क्या बताया था परसों की कथा में? मणि। तो एक बात बताओ, जहां मणि होगी वहीं फणी होगा कि नहीं? और जहां फणी होगा वहीं मणि। और भरत हैं दीपक, दीपक को तो जहां ले जाओ वहीं रहेगा, कहीं रख दो। क्यों भाई? दीपक को तो तुम जहां रखोगे वहीं रहेगा कि नहीं रहेगा वो? है तो भरत हैं दीपक, और लक्ष्मण क्या है? फणी। एक सज्जन बोले साहब लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा सा तेज है। हमने कहा सर्प का स्वभाव कैसा होता है जल्दी बताओ। बोले महाराज वो तो फनफनाता है। हमने कहा तो फिर तुम्हारी बुद्धि नहीं है क्या? बुद्धि नहीं है तुम्हारे? जब सर्प फनफनाता है तो जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी फणी है, जहां मणि पर आंच आएगी वहां फणी जो है पोजीशन ले लेगा।